हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी एस रिव्यूज़ में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे आहा की वेब सीरीज थ्री रोजेस को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्री रोजेस ये वेब सीरीज पिछले साल आहा पे रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 30 से 35 मिनट के आसपास का है। और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वुमन ओरिएंटल लाइट हार्टेड कॉमेडी शोज देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये सीरीज़ कैसी लगेगी, इस पर तो मैं वीडियो में बात करूँगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है इंदु, रितु, जानवी नाम की तीन लड़कियों की, जिनके घर वाले उनकी शादी कराना चाहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, यही सब इस सीरीज़ की कहानी है। अगर हम इसे स्क्रीन प्ले की बात करें तो जैसा कि आप लोग इसके प्रीमाइस ही समझे होंगे कि ये स्टोरी पूरी तरह से नहीं तो नहीं है, कुछ इसी तरह की स्टोरीज पर हमने पहले भी काफ़ी सारी सीरीज़ देख रखी हैं। और जिस तरह से इस सीरीज़ को लिखा गया है ना, उसमें भी कुछ भी नयापन नहीं है। मतलब जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। हमें बताया जाता है कि इंदु किस तरह के इंसान है, जानवी किस तरह के इंसान है, रितु किस तरह के इंसान है, इनके अपनी फैमिली के साथ रिलेशन किस तरह के हैं और इनकी फैमिली इनकी शादी कितनी जल्दी कराना चाहती है, वो सब काफ़ी ज़्यादा रूटीन वे में लिखा गया है। लेकिन फिर भी हमारे सीरीज़ में हल्का फुल्का इंटरेस्ट तो बन जाता है। फिर जिस तरह से सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, हमें बताया जाता है कि इन तीनों के साथ किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और इन तीनों का कैरेक्टर कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, वो सब भी मुझे ठीक ठाक लगा है। ऑल दो ये पूरी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहती है, जिसके कारण आपको स्टार्टिंग से पता होता है इस सीरीज़ में आगे जाके क्या होने वाला है। और जब सीरीज़ के हाई पॉइंट्स आते हैं तो आप उस तरह के इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं जिस तरह को उन्हें डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप बोर कहीं भी नहीं होते हो। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स की, तो सभी कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से तो लिखा गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक हल्का फुल्का कनेक्शन बन जाता है। ऑल दो ये कैरेक्टर्स पूरी तरह से नए नहीं हैं, कुछ इसी तरह के कैरेक्टर्स हमने पहले भी देख रखे हैं और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स हैं वो भी मुझे कुछ नए नहीं लगे हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैंने वो इन्जॉय करे थे। लेकिन अगर हम इस सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सीरीज़ को देखते वक्त आप अपना दिमाग नहीं चला सकते हो, और अगर आपने ऐसा करा तो आपको इस सीरीज़ में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बात है एक्टिंग की, तो जिन्होंने जानवी के कैरेक्टर को प्ले कराया पर्सनली मुझे उनका काम पसंद आया है और बाकी सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन इस सीरीज़ का ठीक ठाक ही है और एडिटिंग भी ठीक ठाक ही है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वुमन ओरिएंटल लाइट हार्टेड कॉमेडी शोज देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो भी आप इस शो को देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे, इसलिए मेरी तरफ से तो ये शो रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने शो देख लिया तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।